न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। मेरे एक दोस्त की बेटी अभी अभी 19 साल की हुई, 18 साल पूरे किए। उनके पिताजी ने एक बहुत अच्छी पार्टी दी, बेटी को बहुत सारी गिफ्ट दी, क्योंकि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई, पुख्त हो गई, मैच्योर हो गई और वो बहुत खुशी में थे। और 3-4 दिन के बाद मुझे एक संदेशा मिला एक दोस्त के द्वारा कि वो दोस्त की बेटी जो अभी 19 साल में आई थी, 19 साल की हुई थी, वो भाग गई और किसी लड़के के साथ उन्होंने शादी कर ली। मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त से बात करूं, बड़े सदमे में होगा, फिर सोचा कि 1-2 दिन 4 दिन निकल जाने दे, फिर मैं बात करूं। मगर इतने में वही दोस्त का फोन आ गया कि मैं आपको मिलना चाहता हूं जीतू भाई, मेरी एक पर्सनल मैटर है। मैं जानता था मगर मैंने उनको बताया नहीं। वो आए मेरी ऑफिस पे, बहुत सदमे में थे, वो रो भी नहीं रहे थे, स्तब्ध हो गए थे। और उन्होंने कहा कि जीतू अपनी बेटी भाग गई, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और ये बेटी ने मुझे बहुत भरोसा था जीतू, वो मुझे इतना प्यार करती है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और उन्होंने क्या कर दिया, मुझे कहा भी नहीं, मुझे कहती, मुझसे बात करती, मेरी राय लेती। उनकी माँ बहुत बिलख बिलख कर रो रही थी। मेरे दोस्त ने अपने आप को संभाला हुआ था, मैं भी सदमे में आ गया, मैं भी 3 बेटियों का बाप रहा हूं। मुझे पता है कि जब बेटियां ऐसा करती है तो मां बाप के दिल पे क्या गुजरती है। हालांकि मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूं, मैंने भी लव मैरिज किया है। मैं ब्राह्मीन हूं, मेरी पत्नी जो है वो जैन है, दूसरे धर्म से मैं शादी करके ले आया हूं, बहुत खुश है हम। तो मेरा नजरिया लव मैरिज के खिलाफ नहीं है। मगर ये दोस्त की बात सुनने के बाद जब पता चला कि वो लड़का जो है वो पाव भाजी की, उनके फैमिली की पाव भाजी की लारी है और वो लड़का कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वही लारी पे वो खड़ा रहता है और अच्छा फैमिली है, पैसे भी है वो लड़के के पास, मगर कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। फिर उनको पता चला कि लड़की बार बार वो लहरी पे जाती थी और दोस्ती हो गई, और पिछले फिर उनकी सहेलियों ने बताया कि पिछले 1-2 साल से उनकी दोस्ती चल रही थी। अब माँ बाप सोच रहे थे कि लड़की को बहुत पढ़ाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत नाम करेंगी, और बेटी ने मौका ही नहीं दिया। और हालात भी ऐसे हैं, जिस दिन बेटियां 19 साल की होती है वही दिन के बाद, उन 19 साल के होने के बाद ही माँ बाप भी शादी करवा सकते हैं और वो अपने आप भी शादी कर सकती है। एक ही दिन उनको अधिकार मिल जाता है कि वो अपने आप शादी कर ले। जब लड़कियों की शादी 14-15 साल में हो जाती थी, बहुत कम उम्र में हो जाती थी, तब उस पर एक अंकुश लगाने के लिए सालों पहले सरकार ने 18 साल तय किए, ताकि उनकी बचपन में शादी ना हो जाए। फिर भी आज की उम्र में भी, आज के दिन भी 18 साल शादी जैसा बड़ा फैसला करने के लिए कोई पर्याप्त उम्र नहीं है। और अब ज्यादातर माँ बाप अपनी बेटियों की शादी, कोई भी समाज हो सकते, कोई छुटमुट समाज हो जहां ऐसी उम्र में शादी हो जाती होगी,
बाकी आज बच्चियां पढ़ती है, बीए होती है, एलएलबी होती है, एमए होती है, एलएलएम करती है, बीकॉम करती है, कुछ बहुत ज्यादा पढ़ती है क्योंकि कॉलेज में फीस भी नहीं देनी है, तो 24-25 साल में शादी होती है। अब कानून वही का वही रहा कि 18 साल के बाद बेटी की शादी हो सकती है, मगर अब बेटियों की शादी होती है 25 साल में, 24 साल में, मास्टर्स हो जाने के बाद ही ज्यादातर फैमिली मेंबर्स चाहते कि बच्चों की शादी हो, और वो सही उम्र है, 22-24 साल की उम्र सही है। अब 18 साल के बाद जो आजादी मिलती है, वो आजादी का उपयोग करने के लिए मैच्योरिटी नहीं है बच्चियों में। वो कोई भी लड़का जो उसके पीछे पड़ा हो, जो उसकी खूबसूरती का या उसके बारे में चापलूसी भरी बातें करता रहता हो, फील्डिंग भरता हो, आ जा करता हो, उसके पीछे पीछे जा रहा है, कागज लिख रहा है, बोल रहा है मर जाऊंगा, ये करूंगा, तेरे लिए चांद तारे तोड़ दूंगा, तो ये उम्र में लड़कियां वो बातों में आ जाती है। कोई चांद तारे तोड़ के लाने वाला नहीं है, मगर वो जब कहते हैं कि मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं, तो बच्चियां भावुक हो जाती है और शादियां कर लेती। वो सोच नहीं सकती कि अपना हित कहाँ है। और मैं तो अब सब बेटियों को जो सुन रही हूं उनको कहता हूं, क्या जो लड़कियां हैं उसके जीवन में शादी ऐसी चीज है कि वो झंप लगा सकती है। बड़ा बड़ा फैसला है शादी, बहुत बड़ा फैसला है, या तो वो बहुत नीचे जा सकती है, अपनी जो फैमिली है, अपना जो स्टैंडर्ड है, अपनी जो पढ़ाई है, उससे बहुत नीचे वाले लड़के को पसंद कर लेंगे, या अपने से बहुत ऊंचे खानदान में, बहुत ऊंचे रईस फैमिली में, या बहुत पढ़े लिखे लड़के से शादी कर ले। वो दो बड़े फैसले कर सकती है, या तो वो शादी का उपयोग करके बहुत बड़ी जगह पे पहुंच जा सकती है, या बिल्कुल ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां सिवा अंधेरा कुछ नहीं है। तो ये 18 साल की जो उम्र है शादी के लिए जो तय की है सरकार ने, वो उसे बढ़ाने का अब समय आ गया है। आज मेरी बहस जो है वो इसी बात पे है कि कौन सी उम्र में लड़कियां शादी कर सके। तो मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि 18 से 21 साल तक माता पिता की या वाली जो है, उनके जो भी गार्डियन है, उनकी मंजूरी से लड़की की शादी हो सकती है, मगर लड़की अपने आप शादी ना कर सके। 18 से 21 साल 3 साल ऐसे दो जहां मां बाप उनके गार्डियन बने रहे, वो अपना फैसला खुद न कर सके, मगर मां बाप को पूछ के बता के उनकी सहमति लेके वो शादी कर सकती है, वरना वो शादी इलीगल हो जाए, वो उसको रद्द कर दी जाए। तो 18 से 21 साल तक शादी तो हो सकती है, मगर विद कंसेंट हो सकती है, गार्डियन की, मां बाप के, वाली के कंसेंट के साथ हो सकती है। तो मां बाप को भी अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में लड़के दिखाने का समय मिल जाए, और 21 साल के बाद लड़की को पूरा फ्रीडम मिल जाए कि वो अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां शादी कर सके, मगर 21 साल के बाद। अब जबकि 24-25 साल में शादियां होती है, मैं समझता हूं 21 या 22 साल कोई बड़ी उम्र नहीं हो जाती है। सरकार अगर 21 या 22 साल तक अपनी मर्जी से शादी करने पर प्रतिबंध लाती है लड़कियों के, तो मैं नहीं समझता हूं कि उससे कोई कड़ा कानून हो जाएगा या लड़कियों के हित में नहीं होगा। ये लड़कियों के हित में है, समाज के हित में। और अब 21 साल के बाद वो शादी कर सकते। मैं यहां एक और सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे समाज में हम बहुत मिली जुली हमारी संस्कृति है, बहुत सारे धर्म है, और जब एक धर्म की लड़की और एक धर्म का लड़का शादी कर लेता है तो बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि जब धर्म बदल जाता है तब पूरा माहौल बदल जाता है, पूरी उसकी जो संस्कृति है वो बदल जाती है।
तो एक धर्म से अगर लड़की दूसरे धर्म में शादी कर रही है, मुसलमान की लड़की क्रिश्चियन से कर रही है, मुसलमान की लड़की हिंदू से कर रही है, हिंदू की लड़की क्रिश्चियन या मुसलमान से या पारसी से कर रही है, तो जब भी एक दूसरे धर्म में शादी हो रही है तो मैं समझता हूं कि वो उम्र बढ़ा के 24 या 25 साल की जाए, कि अगर कोई भी लड़का या लड़की दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है तो वह 24 या 25 साल तक नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, क्योंकि जब आप दूसरे धर्म में शादी कर ले तो माहौल इतना बदल जाता है, जैसे कि आप पहले कभी वो माहौल में रहे ही नहीं है, आप वेजिटेरियन है, बिल्कुल नॉन वेज फैमिली में चले जाते हो, पहले तो बड़े होश में हो, फिर पहले तो बार बार मिलते ही रहते हो, पता नहीं चलता कि वो घर में जाओगी तब क्या होगा। अब वहां वो घर में आप चली गई, अब बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन फैमिली है, अब जो वहां आपका आप माहौल का महसूस माहौल महसूस करोगे वो माहौल आपने कभी देखा नहीं। अब आप वेज नॉन वेज है और आप वेजिटेरियन फैमिली में शादी कर लेती, फिर क्या होगा। तो जब धर्म बदलता है शादी के बाद, तब बड़ा बड़े सोच विचार के साथ शादी होनी चाहिए। और आजकल ऐसे भी 24-25 साल पे ही शादी होती है, तो ये उम्र तो सरकार तीन उम्र लगा दे, एक उम्र ये है कि 18 से 21 तक माँ बाप की इच्छा के साथ शादी हो सकती है, मगर हाँ वहाँ वो जरूर रखे कि माँ बाप वो लड़की के खिलाफ लड़की को जबरदस्ती शादी न करवा सके, उसमें लड़की की भी कंसेंट चाहिए। और 21 साल के बाद माँ बाप और लड़की अपने आप शादी कर सकते हैं, लड़की अपनी इच्छा से शादी कर सकती है, मगर वो दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकती, वो 24 साल के बाद या 25 साल के बाद दूसरे धर्म में शादी कर सकती है। और ये सामाजिक रीजंस भी है इसके पीछे, बड़े दंगे हो जाते हैं, लड़कों लड़के को मार दिया जाता है, लड़की को मार दिया जाता है, दोनों को मार दिया जाता है कि तुमने क्यों अपने धर्म से बाहर शादी की। और फिर दोनों पक्ष बताते हैं कि मेरा लड़का मासूम था, मेरी लड़की मासूम थी, उसने उसे फुसला के शादी करवा ली। जब 25 साल के बाद शादी होगी कोई नहीं कहेगा कि यह लड़की को किसी ने फुसला दिया या लड़के को किसी ने फुसला दिया। तो अब जो समाज व्यवस्था खड़ी है उसमें नए कानून की जरूरत है। ये लड़कों की जो उम्र है वो आप रख सकते हो कि भाई 21 साल, ऐसे भी लड़के तो 21 साल के पहले शादी नहीं कर सकते और 21 साल के बाद वो अपनी इच्छा से शादी कर सकते हैं, मगर दूसरे धर्म में शादी करनी है तो वो उम्र भी लड़कों को भी 25 साल तक वेट करना होगा। तो देखें आप, अगर दूसरे धर्म में शादी करना चाहते कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं है, मगर थोड़ा वेट होना चाहिए उसको, थोड़ा मैच्योर, ज्यादा मैच्योर होना चाहिए। एक तपस्या हो जाएगी कि भाई चलो मैं एक दूसरे धर्म की लड़की को लाने के लिए क्या 4 साल वेट करूंगा, मैं दूसरे धर्म में शादी करने के लिए लड़की हूं क्या 4 साल और वेट करूंगी। वो करती हो, 25 साल के हो जाते हैं तो फिर समाज में मैं नहीं समझता हूं कि किसी को अधिकार पहुंचता है कि ये गलत शादी हुई। तो ये कानून में सुधार हो, और जब ये बचपना करके जब शादियां हो जाती है, मेरे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ हुआ, उसकी लड़की बीए हुई, फिर उन्होंने वो एलएलबी की भी पढ़ाई कर ली, एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद जब पिताजी ने पूछा कि आप अभी आगे पढ़ना चाहती है कि हम लड़के ढूंढना शुरू करें, लड़की बहुत रो पड़ी, बहुत रो रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी, घंटों तक उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा पापा मैं बाद में आपसे बात करूंगी, मुझे थोड़ा रिलैक्स होने दो, मुझे 2-4 दिन का टाइम दो। 2-4 दिन के बाद वो लड़की ने कहा मम्मी से कि मम्मी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बोले क्या हुआ बेटा? बोले जब मैं 18 साल की हो गई वो कोई 2-3-4-5 दिन ही हुए थे और मैंने ये लड़के से शादी कर दी, अब मैं भी समझ रही हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ये लड़का मेरे काम का नहीं है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ कर नहीं पाएगा जीवन, मगर हमने शादी कर ली और तय किया था कि जब तक मेरी पढ़ाई नहीं खत्म हो जाएगी हम ये बात छुपा के रखेंगे, हमने रजिस्टर मैरिज कर ली है, अब मुझे इसमें से बाहर निकालना, मैं ये उनके घर नहीं जाना चाहती। अब आप सोचो कि कितनी कितने जितना बड़ा पागलपन हो गया है ये लड़की से,
अच्छा हुआ कि खुद उनको एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और माता पिताजी से उन्होंने बात करी। तो ये जो बचपना है वो बहुत बहुत प्रॉब्लम खड़े करते हैं। लड़कों को भी हो जाता है। मेरे एक पहचान वाले भाई है, बड़ौदा में तरसाली में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं। एक दिन मेरे पास आए, बोले जीतू भाई मुझे अपनी बीबी से डाइवोर्स चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा उनको जानता था, मुझे पता था उन्होंने प्रेम लग्न किया है। वो मराठी थे और लड़की ब्राह्मीन थी। तो मैंने कहा कि भाई तेरी तो प्रेम लग्न हुई और अभी एक बच्चा भी है, तो तू क्यों डाइवोर्स लेना चाहते है? बात क्या हो गई? बोले बात कुछ नहीं है जीतू भाई, ये जो मेरी बीबी है उसकी छोटी बहन जो है उन्होंने अमेरिका शादी की है, उनके वो अभी वहाँ सिटीजन हो गई, उनकी छोटी दीदी सिटीजन हो गई अमेरिका की, अब वो वहाँ डाइवोर्स ले रहे हैं और उनके पतिदेव यहाँ आएंगे और मेरी बीबी से शादी करके उसे साथ ले जाएंगे और फिर मैं और मेरा बेटा वो फिर वापस आएगी दो चार साल के बाद, फिर मेरे से फिर शादी कर लेगी और फिर हम चले जाएंगे। बहुत बड़ा प्लान बनाया था लड़की वालों ने बनाया था। अब मैंने कहा कि देख भाई तू इधर रहे, ये करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा मुश्किल पेचीदा मामला है, तू कहीं फंस नहीं जाएगा, वो लड़की को अमेरिका ले जाएंगे फिर वापस आएंगे नहीं भारत में, लड़की तुझे देखने को नहीं मिलेगी। बोला नहीं जीतू भाई, वो मेरे जो साढ़ू भाई है वो भी आए थे, हमारी बात हुई है, सब पक्का हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो ये डाइवोर्स केस नहीं करता हूँ। मैंने एक दूसरे वकील को केस दिया, कंसेंट डाइवोर्स हो गया, वो लड़का इसके साथ ही रहेगा, वो भी लिखान में हो गया कि लड़के पे माँ की कोई जिम्मेवारी नहीं है, लड़का भी इसका हो गया। फिर वो लड़की अपने बहन की अपने जीजा के साथ यहाँ शादी की और जीजा के साथ वो अमेरिका चली गई। अब थोड़े दिन के बाद वो भाई मेरे पास वापस आए, बोलते जी तुम्हें मुझे फंसा दिया गया। मैंने बोला मैंने तो आपको कहा ही था कि आप फंसोगे अमेरिका जाने के मुंह में। मैंने बोला हुआ क्या? बोला वो दोनों तीनों वहां सेटल हो गए, पहले तो ये प्लान बना के गए थे कि वहां जाके ये लड़की फिर डाइवोर्स करेगी और दूसरे किसी से शादी कर लेगी, मगर अब तीनों ने सेटल कर दिया, वो दोनों बहनें वही आदमी के साथ रहेगी, एक ही पति के साथ रहेगी, और वो मुझे अब फोन पे बोल रही है कि मैं आपको मिलना भी नहीं चाहती, वो आपसे बात करना भी नहीं चाहती, मैंने गलती की थी जब आपसे शादी करी। अब ये बताते हैं कि ये लड़की तरसाली से कॉलेज में जब जाती जाती थी, ये रिक्शा वाले भाई ने 4 साल तक उसको लाने ले जाने के लिए अपना रिक्शा का प्रोग्राम बना दिया था कि जब वो छुट्टी उसको लेके आते बाकी पूरे दिन रिक्शा चलाते, मगर उसको 4 साल तक लाए ले गए और वो लड़की इतनी भावुक हो गई इनके तपस्या से कि उन्होंने शादी कर ली थी। बड़े घर की लड़की थी, रिक्शा वाले से शादी कर ली थी, फंस गई थी ऐसा महसूस करने पे ये पूरा प्लान बना और वो अलग हो गई। तो जब ऐसी बातें खड़ी हो जाती है तो प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। तो मेरा सुझाव है सरकार को कि शादी की नई उम्र तय की जाए लड़कियों के लिए, ताकि लड़कियां महफूज रह सके, ताकि समाज एक अच्छी तरह समाज की व्यवस्था बनी रहे। और शादियां जो है वो बचपना करने की चीज नहीं है, बड़ी गंभीर चीज है, तो उसकी पवित्रता भी बनी रहे। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।